Hello students we are reading chapter 5 coal and petroleum and today we will read about petroleum okay you know that petrol is used as a fuel in light automobiles such as motorcycles scooters and cars heavy motors vehicles like trucks and tractors run on diesel petrol and diesel are obtained from a natural resource called petroleum द वर्ड पेट्रोलियम इज डिराइव फ्रॉम पेट्रा मीन्स रॉक एंड ओलियम मींस ऑयल एज इट इज माइंड फ्रॉम बिटवीन द रॉक्स अंडर दर्थ एज शोन इन फिगर फिफ्टी फोर ये कहा से निकाला जाता है पत्थरों के बीच से जो कि पृथ्वी के अर्थ के अंदर होते हैं वहां से निकाला जाता है पेट्रोलियम नाउ पेट्रोलियम वॉज फोर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी एज दीज ऑर्गेनिज्मेट Their bodies settled at the bottom of the sea and got covered with layers of sand and clay. Over millions of years, absence of air, high temperature, and high pressure transformed the dead organism into petroleum and natural gas. Look at figure 5.4. It shows the deposit of petroleum and natural gas. You see that the layer containing petroleum oil. And gas is above that of water. Why is it so? Recall that oil and gas are lighter than water and do not mix with it. The world's first oil well was drilled in Pennsylvania, USA, in 1859. Eight years later, in 1867, oil was struck at आसाम इन इंडिया ऑयल इज फाउंड इन आसाम गुजरात मुंबई हाई एंड इन द रिवर बेसेंस ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा तो यहाँ पेट्रोलियम के बारे में बताया जा रहा है तो आप तो जानते हैं कि पेट्रोल का यूज लाइट ऑटोमोबाइल्स लाइक मोटरसाइकिल स्कूटर्स और कार्स में किया जाता है और हैवी मोटर व्हीकल्स जैसे ट्रक ट्रैक्टर इनमें किसका यूज किया जाता है डीजल का यूज किया जाता है और पेट्रोल और डीजल हमें कहा से मिलता है नेचुरल रिसोर्सेस से मिलता है ठीक है जिसको हम पेट्रोलियम कहते हैं पेट्रोल एंड डीजल आर ओबिटेन फ्रॉम आर नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम ओके तो ये जो पेट्रोलियम वर्ड है वो टू वर्ड से मिलकर बना है एक है पेट्रा पेट्रा का मीन्स होता है रॉक और दूसरा है ओलियम ओलियम का मीन्स होता है ऑयल ओके okay? और ये जो है पत्थरों के बीच से निकाला जाता है जो कि अर्थ में पृथ्वी के अंदर होता है ठीक है तो क्या आप जानते हैं पेट्रोलियम कैसे बनता है तो पेट्रोलियम जो है सी के अंदर, रहने वाले लिविंग अब सी के अंदर तो सी एनिमल्स ही होंगे ना ठीक है तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है अंदर के है ना जब वो मर जाते हैं तो उनकी जो बॉडीज है वो कहां सेटल्ड हो जाती है जाकर सी के बॉटम में ठीक है सी जो है समंदर में समंदर में सबसे नीचे का जो एरिया होगा वहां जाकर सेटल हो जाती हैं अब उसके ऊपर सैंड और क्ले की लेयर जमती जाती है मतलब मिट्टी और रेत की लेयर कंटिन्यू उसके ऊपर जमती जाती है जमती जाती है तो मिलियन ऑफ इयर्स हजारों मिलियंस इयर्स ठीक है मिलियंस ऑफ इयर्स एब्सेंस ऑफ एयर जब वहां हवा भी नहीं मिलती है और टेम्परेचर भी हाई होता है प्रेशर भी हाई होता है ठीक है तो वो जो डेड ऑर्गेनिज्म है है ना वो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में चेंज होने लगते हैं ठीक है यहाँ बताया जा रहा है देख सकते हैं आप ये, ये है आपका वेल यहाँ से अंदर से आपको ये गैस मिलेगी और ये पेट्रोलियम मिलेगा ठीक है अंदर यहाँ वाटर है देखें और यहाँ रिजर्वर रॉक है यहाँ पर भी रॉक्स हैं देखें ये पूरे क्या है ये रॉक्स है ठीक रॉक के अंदर फिर गैस मिलेगी गैस के बाद फिर ऑयल पेट्रोलियम गैस पेट्रोलियम ऑयल और फिर वाटर और यहाँ रिजर्वर रॉक्स ओके तो आप यहां देख पा रहे हैं इस मैंने अभी जो फिगर बताया आपको फाइव पॉइंट फोर वहां पर मैंने आपको लेयर बताई ठीक है तो यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि ऑयल और गैस जब अंदर ही मिलते हैं कहा धरती के अंदर ठीक है और उसके ऊपर क्या रहता है सी रहता है या रिवर्स होते हैं है ना या तो रिवर के अंदर से निकलते हैं ये ऑयल या तो फिर समंदर ठीक है सी उसके अंदर से तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि जब ऑयल इतना क्या होता है लाइट होता है जब अपन ऑयल पानी में डालते हैं तो पानी में ऊपर तैरने लगता है ना ऑयल ठीक तो ऑयल और गैस दोनों लाइटर होते हैं तो क्या ये वाटर में मिक्स नहीं होते हैं या वाटर पर तैरते नहीं है ऊपर है ना तो यहाँ एक क्वेश्चन बन रहा है ठीक है तो इसका आंसर आप फाइंड करेंगे ठीक है और वैसे ये क्लास फिफ्थ में आई थिंक ईवीएस में आपने पढ़ा होगा कि ऑयल जो है किसमें वाटर में वाटर से हल्का होता है तो वो ऊपर उसके तैरने लगता है है ना तो जब पानी के अंदर से ही ऑयल निकलता है तो फिर पानी में मिलता क्यों नहीं है ऑयल ठीक या उसके ऊपर तैरने क्यों नहीं लगता है ऑयल जब उसके अंदर है इतना सारा तो ठीक है तो यहाँ बताया जा रहा है कि वर्ल्ड का फर्स्ट ऑयल वेल मतलब तेल का कुआं कहा खोदा गया था यूएसए के पेंसिल पेंसिलवानिया ठीक है यूएसए के पेंसिलवानिया में ड्रिल किया था, मतलब गया था मतलब खोदा गया था इन 1859 को उसके बाद एट इयर्स लेटर आठ साल के बाद इन 1867 में ऑयल कहा पाया गया मकुम इन आसाम अभी कोरोना काल में अगर आपने देखा होगा तो वही आसाम के आसाम के ही तेल के कुए में कितनी आग लगी हुई थी और ना जाने कितने दिन से लगी हुई थी ऑस्ट्रेलिया की कोई टीम आई थी उस आग को बुझाने के लिए है ना तो आसाम में है ठीक है और हमारे इंडिया में ऑयल और कहाँ कहाँ पाया गया है गुजरात और मुंबई ठीक है और ज्यादातर ये किस में ये जो ऑयल वेल है वो गोदावरी और कृष्णा नदी में ही पाए गए हैं ठीक है इनकी बाउंड्री से गोदावरी और कृष्णा नदी की जो बाउंड्रीज है वहां पर ऑयल का बेल बनाया गया है ठीक